नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। जिंदगी के अंतिम सत्य, मृत्यु और उसके बाद के आत्मा के सफ़र के साथ साथ अच्छे जीवन जीने के तरीके के बारे में भी गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, इसलिए इसे महापुराण माना गया है। गरुड़ पुराण बताता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे होने चाहिए, कौन से कर्म उसे पुण्य दिलाते हैं और किन कर्मों के कारण वो पाप के बोझ तले दबता जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ लोगों के घर में भोजन करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है, इसलिए इन लोगों के घर पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि ऐसे लोगों के घर पर नहीं करना चाहिए भोजन। जैसे अपराधी व्यक्ति जिनका अपराध साबित हो चुका हो, उनके घर भोजन ना करें। इसके दो कारण हैं। पहला, ऐसे लोगों पर भरोसा करना उचित नहीं है, और दूसरा, अपराध में शामिल लोग नकारात्मकता से भरे होते हैं, उनके यहाँ भोजन करने से वो नेगेटिव एनर्जी आप में भी आ सकती है। बीमार व्यक्ति के घर में भोजन ना करें। ऐसे घरों में बैक्टीरिया हो सकते हैं जो भोजन के जरिए आपके अंदर जा सकते हैं और आपको भी बीमार कर सकते हैं। ब्याज का काम करने वाले लोगों के घर पर भी कभी कुछ ना खाएं और पिए। ब्याज से मिले पैसे में लोगों का दर्द, दुख, मजबूरी छिपे होती है। ऐसे पैसे का उपभोग व्यक्ति को पापी बनाता है। नशे से जुड़ी चीज़ों का व्यापार करने वाला व्यक्ति बहुत पापी होता है, क्योंकि वह अपने व्यापार से कई लोगों की सेहत खराब करता है, यहाँ तक कि उनकी मौत का कारण भी बनता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। वह इनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। गुस्सेल व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से भरा रहता है। धीरे धीरे ऐसे लोगों के घर की हर चीज़ में नेगेटिविटी आ जाती है, इसलिए इनके घर की कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।